पीवीसी गंगा की टीम आज ग्राउंड जीरो पर है और इस समय हम तलबगंज क्षेत्र के बीजीपुर माझा में हैं, जहां पर हमारे जैसे नदी है और नदी लगातार कटान से ही कटान के जल में कई घर जो हैं नदी में बह गए हैं और यहां जो लोग रह रहे हैं वहां इस तरह अपना सामान जो घर का है वो उखाड़ रहे हैं और अलग ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए, जैसे कि आप देखें यहाँ पर जो एक मशीन लगी हुई थी खुदाने की, वहाँ लोग उजाड़ रहे हैं और अलग लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो घर है लगातार कटान की छत में आने से बह गए हैं और लोग परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ गांव के रहने वाले हैं, तो पूछते हैं कि ऐसे आप लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ तक नदी कटान कर रही है। सर, हम आपको नदी में कहाँ कितनी दूर है और कितना कटान हो रहा है? नदी यहाँ से 20 मीटर दूरी पर है, आप देख ही रहे हैं, और लोग यहाँ प्लान करके थोड़ी ही दूर जाएंगे और अलग जगह कहीं है ही नहीं घर बनाने के लिए। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है लोगों की, मतलब कि घर और खेत दोनों ही नदी में समाहित होते जा रहे हैं और अलग अब घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है। अब किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं लोग, बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अभी ये ले जाएंगे थोड़ी दूर दूसरे के खेत में रखेंगे, उसके बाद में कुछ दिन गुजारा करेंगे यहीं, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। नदी के किनारे ही लोग रहते चले आए हैं। जहाँ पे इस समय हम लोग हैं वहाँ पे कितने घर थे, कितने किसान हो गए, कितनी फसल डूब चुकी है? यहाँ से कम 25-30 घर जो है नदी में समाहित हो गए हैं और कम से कम 300 एकड़ जमीन जो है काट नदी में समा गई है। लगभग कब से चल रहा है, कितना हो रहा है? आया अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे और जो है तकरीबन ये महीने के लगातार कटान चलेगी। बच्चे की दवाई करा के नहीं भेजता, इतना बीमार है बच्चा, एकदम बहुत ज़्यादा हालत गड़बड़ी साहब। सड़क पर नहीं जाए सुधा साहब, न यहाँ क्यों हाल खबर लिया है साहब। खाना पानी आगे तहक नहीं मिला साहब, यहाँ कि कौन बेहतर हो तो आगे पाए जाए को मांगे ना, यहाँ साहब ना ही कौन बेहतर साहब यहाँ है ना। ये खड़े घर कट गया कम से कम 20-25 और सब नदी में एकदम डूब गए। और साहब बच्चों को कौन नहीं मजा कि कौन लेकर निकल जाए, ना ही भी नहीं यहाँ ही। और ना चावल मिले ना आटा मिले, कौन बेचता साहब ना ही। कम से कम 7 नदी के बीच में हम सब यहाँ क्यों क्यों नहीं आया साहब। वोट मांग कोई तो सभी आई, वोट दिन जे सभी जितावा जे निकल क्यों आए नहीं हम मौके पर ही देखे। घाघरा और सरयू नदी की लगातार कटान से चलती आधा दर्जन से घर जो है कटान की छत में आ गए हैं। यहाँ पर जो उनका आरोप है कि यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अमला नहीं आया, लोग यहाँ पर परेशान हैं क्योंकि लोग को दिल्ली में जाने के लिए कोई समुचित नौ की व्यवस्था नहीं कराई गई है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि लोगों को आने जाने की नाव लगाई गई है। हर जो अधिकारी हैं एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कृष्ण कुमार, एपीगंगा, गोंडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।